हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास नाइन्थ के इस लेक्चर में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है राइटिंग पैराग्राफ्स। तो आप सबको जैसा कि पता है कि हमारा सिलेबस जो है तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ आवर सिलेबस। फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड द रीडिंग पार्ट, सेकेंड पार्ट इज़ कॉल्ड द राइटिंग स्किल पार्ट एंड थर्ड इज़ फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स विच इज़ कॉल्ड द टेक्सुअल पार्ट ऑफ अवर इंग्लिश। तो इसमें राइटिंग पैराग्राफ्स में क्या है? अ पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का ग्रुप है दैट डिस्क्राइब और एक्सप्लेन अ टॉपिक और आइडिया, जो कि किसी टॉपिक को या किसी आइडिया को डिस्क्राइब करता है। इस सेंटेंस इन अ पैराग्राफ मस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। हर एक सेंटेंस जो है पैराग्राफ में किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ऑल्सो द सेंटेंसेस मस्ट बी इन अ राइट ऑर्डर, और सेंटेंसेस भी सही ऑर्डर में होने चाहिए। So your readers can understand and appreciate the information। उसका बेनिफिट ये रहेगा ताकि वो जो रीडर्स हैं वो क्या कर सकें, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ सकें और उसे appreciate भी कर सकें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी होगी, पैराग्राफ्स अच्छे लिखे होंगे तो उनके obviously readers अच्छे होंगे, संख्या उनकी ज़्यादा होगी। A good paragraphs presents अ कम्प्लीट इंटरेस्टिंग पिक्चर्स ऑफ द रीडर, और अच्छे पैराग्राफ्स जो है वो हमेशा रीडर्स के बारे में अच्छी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं। लर्निंग टू राइट क्लियर वेल डेवलप्ड पैराग्राफ्स विल हेल्प यू बिकम एन इफेक्टिव राइटर। तो सबसे पहले लर्निंग टू राइट क्लियर, सबसे पहले स्किल आपको लर्न करनी है वो किस प्रकार से ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन आप लिख पाएँ। वेल डेवलप्ड पैराग्राफ्स, अच्छे से पैराग्राफ्स डेवलप करें ताकि अच्छे से चीज़ें समझ सकें। ये सब आपकी हेल्प करेंगे एक इफ़ेक्टिव राइटर बनने में, वेदर यू आर राइटिंग शॉर्ट ऐसे और अ फुल क्लासरूम रिपोर्ट, चाहे वो पूरी क्लासरूम की रिपोर्ट ही क्यों ना हो। तो व्हाट अहेड, आप सबसे पहले द पार्ट ऑफ पैराग्राफ, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, राइटिंग अ पैराग्राफ, एडिंग डिटेल, पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर, ट्रांसलेटिंग वर्ड्स और फाइंडिंग पैराग्राफ्स। तो पार्ट ऑफ पैराग्राफ आपको पता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स होते हैं जो डिस्क्रिप्शन देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के साथ में आपको डिस्क्राइब करना है इवेंट को। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स कितने टाइप के होते हैं? शॉर्ट टाइप पैराग्राफ्स, लॉन्ग टाइप्स पैराग्राफ, सात लाइन से लगाकर, पांच लाइन से लगाकर सात लाइन, इससे बड़ा और छोटा भी हो सकता है। राइटिंग पैराग्राफ्स कैसे करना है, डिटेल्स उसमें ऐड कैसे करनी है आपको पता है कि एक एक इवेंट को क्रमबद्ध तरीके से उसमें लिखना है या इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंस में लिखना है, प्रॉपर ऑर्डर, वर्ड का ट्रांसलेशन करना। जैसे सपोज़ आपने कोई पैराग्राफ लिखा है तो अच्छा पैराग्राफ वो होता है जो ऊपर वर्ड दिया हुआ हो पैराग्राफ के अंदर, उसके फुट पे या हेड पर आपने उस वर्ड का डिस्क्रिप्शन भी दे रखा हो कि इसे किस प्रकार से समझाया जा सकता है। फाइंडिंग पैराग्राफ्स, ये सारी चीज़ें आगे करने की प्रैक्टिसेस है। ये पार्ट इसका फर्स्ट है, आगे भी इससे संबंधित आपको वीडियोज़ जो है वो मिलते रहेंगे। तो ये पैराग्राफ के बारे में और भी चीज़ें, क्या पैराग्राफ क्या होता है? अ पैराग्राफ इज मेड अप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से बना होता है। पैराग्राफ शुड हैव एटलीस्ट फाइव सेंटेंसेस।
अ पैराग्राफ हैज़ अ टॉपिक सेंटेंसेस, ईच सेंटेंस रिलेट्स टू द सिंगल आइडिया अबाउट द मेन टॉपिक. पैराग्राफ एक्सप्लेन डिस्क्राइब समथिंग. अ पैराग्राफ हैज़ अ टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और अ कंक्लूडिंग सेंटेंसेस. सबसे पहले टॉपिक, जैसे कि मुझे पैराग्राफ लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे पैराग्राफ लिखना है, तो मेरा टॉपिक बनेगा इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश. सपोर्टिंग सेंटेंसेस में मैं इस बात की वकालत करूँगा, इस बात को डिस्क्राइब करूँगा कि किस प्रकार इम्पोर्टेंस है इंग्लिश का. अ कंक्लूडिंग सेंटेंस मतलब सेंटेंस को किस प्रकार से आखिरी में कंक्लूड करना है. तो ये था पैराग्राफ राइटिंग के बारे में. नेक्स्ट हम आगे भी पैराग्राफ राइटिंग के बारे में डिस्कस करते रहेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग.